कुछ बच्चों का पुरानी वीडियोस पे कमेंट आया कि सर कुछ ऐसे रूमर्स हैं जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि हम अपनी अक्टूबर वाली एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तैयारी करके दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं और उनको प्रमोशन के लिए उनके 10th और 12th की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अक्सर NIVS बोर्ड में ऐसे लोग पेपर देते हैं। जो बच्चे CBSE बोर्ड या कोई और स्टेट बोर्ड में फेल हो गए हैं वो बच्चे भी इन एग्जाम्स को दे रहे हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत आती है तब जब कोई दूसरा आदमी ये बोल देता है कि हाँ मैंने तो किसी वेबसाइट पे देखा था NIVS का एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगा, ये एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे और ये एग्जाम फिर से दोबारा से होंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक बार तो एग्जाम दिए नहीं जाते बच्चों से, है ना, और वापस से उन बच्चों के दिमाग पे इतनी टेंशन डाल दो कि दोबारा एग्जाम होंगे। बच्चों इसी चीज को लेकर के मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें स्पेशल आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आखिर एक्चुअल में NIVS के अंदर क्या चल रहा है। बच्चों पहली चीज तो कोई भी ऐसी चीज जब होती है तो NIVS खुद आकर के उसको बता देता है कि हाँ ऐसी चीज चल रही है और ऐसा आपके साथ होगा, है ना। लेकिन अभी तक NIVS की जो मेन यानी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे अक्टूबर की एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो अक्टूबर की एग्जामिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से दें, तैयारी करके दें, ये ना सोच ले कि यार दोबारा हो जाएंगे तो चलो नहीं देते हैं। बच्चों पेपर मत छोड़ देना, क्योंकि ऐसे रूमर्स चलते रहते हैं। और ये क्यों चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि रूमर्स चल रहे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, वो दोबारा फिर फेल हो जाएंगे, वापस से फिर से फॉर्म भरेंगे, फायदा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए आप लोगों को ध्यान से एक बात को समझना है, किसी भी तरीके की रणनीति में नहीं आपको फंसना है, किसी भी तरीके के गेम में आपको नहीं फंसना है। प्रॉपर तरीके से एग्जाम दीजिए, आपका जनवरी में रिजल्ट भी आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। और बच्चों अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।